करनाल में यूनिसेफ पार्टी ने भूमि अधिग्रहण के विरोध में देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का लघु सचिवालय के समक्ष पुतला फूंककर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र में आई भाजपा सरकार अब उद्योग घरानों पर इशारों पर चलती है। इसके देश का किसान आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने भूमि अधिग्रहण को लेकर जो नया बिल बनाया है वह किसानों को कतई मंजूर नहीं है। महंगाई की चक्की में किसान लगातार पिसता जा रहा है और कर्ज और आर्थिक बोझ के तले दबकर आत्महत्या कर रहा है। हमारा पार्टी का 40वां स्थापना दिवस है और ये पार्टी 40 वर्षों का जो इसका इतिहास है कि आम जनता के मुद्दे लेकर के पूरे भारतवर्ष में ये लड़ती आई है और लड़ती चली जाएगी। देखिए, आज का जो खास मुद्दा था एक स्थापना दिवस के मौके पर, क्योंकि अभी पार्लियामेंट बैठा हुआ है, जो 1894 का जो एक उसका बिल था एक भूमि अधिग्रहण के बारे में, जिसको हमने लड़ लड़ करके पूरे देश भर में 2013 में इसमें कुछ तब्दीली कराई थी, जो कि वो भी नाकाफ़ी थी, उसके लिए भी लड़ रहे थे, लेकिन आज मोदी ने उसको पूरी तरह से जो है खाली कर दिया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।